इन्होंने पूरी कोशिश की जेल के अंदर केजरीवाल को तोड़ने की, तरह तरह से। कभी अपमानित करते थे, कभी बेइज्जत करते थे। 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दिया। मेरे को 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूं। शुगर की बहुत हाई लेवल की बीमारी है मुझे और मैं डेली 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। 52 यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। तो जब मैं जेल में गया, डेली मेरा बढ़ता जाए, कभी 300, कभी 325, कभी 325। अब मुझे चिंता होने लगी क्योंकि ज्यादा टाइम तक अगर शुगर हाई रहती है तो फिर धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लग जाती है, धीरे धीरे आपका लिवर खराब होने लग जाता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है आपके शरीर के अंदर। तो मैं बार बार डॉक्टर को बोलूं कि भाई मेरे को इंसुलिन दे दो मेरे को। हाँ सर, मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरत होगी तो। मैंने कहा और क्या जरूरत होगी, 300 पहुंच गया, 325 पहुंच गया, और क्या। आप लोगों ने फिर आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, तो इनको मजबूर होके इंसुलिन देना पड़ा। मेरी वाइफ मेरे से मिलने आया करती थी। ये तो कानूनी रूप में अधिकार है, जो भी अंदर कैदी हैं, चाहे आतंकवादी हैं, चाहे बलात्कारी हैं, चाहे हत्यारे हैं, हफ्ते में 2 मीटिंग आपको अपने परिवार से अलाउड है। आप अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हो। एक दिन मेरी वाइफ को मना कर दिया इन्होंने कि आपकी वाइफ को नहीं मिलने देंगे। फिर वो अखबारों में छप गया, चारों तरफ शोर शराबा हुआ। तो 12 बजे आना था, उन्होंने 11 बजे फिर लिखा कि ठीक है आ जाओ। सवेरे 8 बजे ईमेल भेज दी कि आज की आपकी मुलाकात कैंसिल। फिर शोर हुआ बाहर, तो उन्होंने फिर 11 बजे उनको दोबारा भेजा कि ठीक है आ जाओ। मेरी वाइफ से मिलने से मना कर दिया। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर जेल सुपरिंटेंडेंट चाहे और अगर कैदी का बर्ताव ठीक है तो उनको कमरे के अंदर आमने सामने बैठ के इज्जत के साथ मिलवाया जा सकता है। मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया था। वो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। पंजाब के डीजी पुलिस ने चिट्ठी लिखी कि पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप कमरे के अंदर दोनों को मिलवाने का इंतजाम। उन्होंने जाली जो जेल है, जेल की जाली जो आप पिक्चरों में देखते हो, जाली के उस पार भगवंत मान और जाली के इस पार, तो बेइज्जती कर रहे थे। और इसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे बात कर ली हमने। लेकिन उनका मकसद केवल अपमानित करना था, उनका मकसद केवल बेइज्जत करना था। मेरे सेल में 2-2 CCTV कैमरे लगा रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूं, कितने बजे लेटता हूं, कितने बजे खाना खाता हूं, क्या टीवी चैनल देखता हूं, एक एक मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 officers मेरे सीसीटीवी कैमरे की भी वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से, तो 13 लोग मॉनिटर करते थे। रात को मैं कितने बजे उठता हूं, 3 बजे उठे ये बाथरूम करने के लिए, एक एक मॉनिटर चीज मॉनिटर होती थी। और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक उन्होंने फीड दी हुई थी, मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे, क्यों, वो ये देखना चाहते थे केजरीवाल टूटा तो नहीं, केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। इनको लगता यूं ही टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। बड़ी तो एक तरह से खुंदक निकाल रहे थे पर्सनली, कोई भ्रष्टाचार का केस थोड़ी है। पता नहीं क्या खुंदक पाल रखी है मोदी जी ने मेरे खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो क्रश करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मोदी जी भगवान तो नहीं है ना, भगवान तो है, वो हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है।